अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी पंजाब के खटखड़ कला में आज उपवास रखने जा रही है। सीएम भगवंत मान भी इसमें शामिल होंगे। हमारे साथ श्री आनंदपुर साहब से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मलविंदर कंग हैं और पंजाब आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी हैं। कंग साहब, सबसे पहला सवाल यही है, इस धरती पर आज उपवास रखने का सबसे बड़ा कारण और मकसद क्या है? सबसे बड़ी बात है, ये वो धरती है जहाँ शहीद आजम भगत सिंह की धरती है, जिसने देश की आज़ादी के लिए सबसे यंगेस्ट एज में अपनी कुर्बानी दी। आज जिस तरीके से भाजपा की अगुवाई में देश तानाशाही में बढ़ रहा है, लोकतांत्रिक संस्थाओं का सत्यानाश किया जा रहा है, किसानों, नौजवानों, महिलाओं, दलितों पर अत्याचार भाजपा जो कर रही है, उससे ध्यान हटाने के लिए और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए हमारे सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, जो देश के सबसे बड़े नेता, उनको इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली जेल में बंद किया है, उसके खिलाफ पंजाब के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी की अगुवाई में सारी लीडरशिप, तमाम समाज से समाज का दर्द रखने वाले लोग आज व्रत पर बैठ रहे हैं और एक मैसेज पूरे देश में जाएगा कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल और जो तानाशाही की तरफ देश को बढ़ाया जा रहा है, इनके खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देने के लिए लोग लामबंद हो। लेकिन दिल्ली में गिरफ्तारी हुई है, तिहाड़ जेल में बंद है, पंजाब में धरना देना, व्रत देना, व्रत रखना, इसका कैसे आपको लगता है कि वहां तक मैसेज पहुंचा? अभी तो देश का हिस्सा है और अरविंद केजरीवाल जी पंजाब के भी नेता हैं, हमारे बड़े सबसे बड़े नेता हैं और पंजाब की वो धरती, और खासकर आप जहाँ खड़े हैं शहीद आजम भगत सिंह की ये धरती, वो पंजाब की धरती है। जब भी देश पे मुश्किल आई है, कठिनाई आई है, जब भी देश पे कोई खतरा मंडराया, इस धरती ने सबसे आगे आके आवाज़ उठाई, आवाज़ बुलंद की है, तो आज पंजाब से आवाज़ बुलंद होगी अरविंद केजरीवाल जी की। बिल्कुल, ये थे मलविंदर कंग, जिन्होंने कहा है कि बीजेपी जो अत्याचार कर रही है उसके खिलाफ आज भूख हड़ताल, जो सामूहिक भूख हड़ताल आज आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरे देश में की जा रही है। कैमरामैन वीर सिंह के साथ हरपिंदर सिंह, टीवी 9 खटखड़ कला।